हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत है आपका लर्निंग एंड इनोवेशन चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको फानुक CNC कंट्रोलर के अंदर एक और बहुत अच्छी सेटिंग बताने वाला हूं। आप बड़े गौर से इसे देखिए, क्योंकि ये आपके मशीन में होने वाले रॉन्ग प्रोग्राम सिलेक्शन से होने वाले एक्सीडेंट को रोक सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? होता क्या कि हमारे डायरेक्टरी में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, और जब भी हम कोई प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं या गलती से कोई दूसरा प्रोग्राम सेलेक्ट कर देते हैं और मशीन को ऑटो रन करते हैं, तो हमारी मशीन हिट कर जाती है, एक्सीडेंट कर जाती है। तो उस कंडीशन में बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हो जाता है, बहुत नुकसान होता है, प्रोडक्शन लॉस हो जाता है। तो उस कंडीशन में बचने के लिए हमें कुछ एक सेटिंग करनी पड़ती है, और वो सेटिंग क्या होती है वो आप बड़े ध्यान से इसे वीडियो को देखते रहिए। तो सपोज देखो दोस्तों, जैसे मेरा एक प्रोग्राम अभी ये चल रहा है, 01022 के नाम से कोई प्रोग्राम मेरा अभी रन कर रहा है, ठीक है। तो मुझे अब इसमें क्या करना है कि जो प्रोग्राम में ये आगे ये है, एक लाइन हम इसमें ऐड कर देते हैं। जैसे हम स्टार्टिंग फर्स्ट टूल ही यूज कर रहे हो आप, T0000 वाला, तो इसमें हमें एक लाइन ऐड करनी है कि इफ़ ब्रेकेट हैज़ 900। 900 एक्चुअली क्या है, ये माइक्रो पैरामीटर है, और एनी 1020 जो आप प्रोग्राम चला रहे हो, और उसको ब्रैकेट को बंद करके गो टू 5000 ये लिख देना है, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में ये देखो, ये प्रोग्राम यहाँ पे करना है, और इसको इस प्रोग्राम के नंबर को हमें माइक्रो पैरामीटर 900 के अंदर सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। वो माइक्रो पैरामीटर आपको कहाँ मिलेगा? ऑफसेट में मिलेगा, ऑफसेट के आगे जो ये माइक्रो वाला ऑप्शन होता है उसमें मिलेगा। और ये 900 आप पेज ड्रॉ करते रहोगे तो पेज के अंदर ये 900 मिल जाएगा, वहाँ पे आपको ये प्रोग्राम नंबर लिख देना है, ठीक है। अगर आप जब भी आपको फिर दूसरा प्रोग्राम सेलेक्ट करना है तो वहाँ पे आपको नंबर चेंज करना पड़ता है। अब देखो, मैं आपको एक ये वाला प्रोग्राम सेलेक्ट करके चला के दिखा देता हूँ कि इस कंडीशन में क्या होगा, जबकि मेरा प्रोग्राम अभी 1022 सेट है। तो अब मैं 0020 आपको चला के दिखाता हूँ, सॉरी ये 22 हो गया, 20, ठीक है, 0020 मैं आपको चला के दिखा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। देखो अब ये क्या हो गया, ये देखो, अब जैसे मैं इसको चलाऊँगा तो बड़े ध्यान से देखिए, ये मैंने इसको रन किया, ये देखो, ये रन करते ही, ये रन करते ही अलार्म आ गया, MC MC 3001 रॉन्ग प्रोग्राम सिलेक्शन। तो दोस्तों, हमारा काम तो इतने में ही हो गया है बस। अब क्या, जब भी आप कोई प्रोग्राम चलाओ तो वहाँ पे 900 में आप दूसरा प्रोग्राम सेलेक्ट कर लो, या आप दूसरा माइक्रो कोड भी आप अपने हिसाब से, अपनी मशीन के हिसाब से सेट कर सकते हो। तो दोस्तों, ये बहुत बहुत अच्छा रहेगा, आप अपनी मशीनों में इस तरह की सेटिंग कर सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए तो इतना ही है। अगर फिर आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा वीडियो ये। थैंक यू।